हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अनिल सर के साइट या यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एनसीवीटी पर हम डाउनलोड करेंगे मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो 18-20 के कैंडिडेट जो जो पास आउट हो गए उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ चुका है। बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट एग्जाम तो दे चुके थे, रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया था, जिसकी वजह से वो कहीं भी अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि 31 मई को रिजल्ट आया था, तो उसके बाद कैंडिडेट का ये कहना था कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर्टिफिकेट कब आएगा, मार्कशीट कब आएगा। तो मैंने उसी समय बता दिया था कि 15 से 20 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, जो कि आज देखिए 18वां दिन है। 18 दिन में आपका रिजल्ट और सर्टिफिकेट आ गया, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था। तो बिलीव कीजिए, अगर हम आपको कुछ बताते हैं तो आपको सही जानकारी दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमको भी प्रॉब्लम्स हो तो हम उसको सॉल्यूशन लाएंगे और उसको सॉल्यूशन को आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें सहायता करिए और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि कोई भी नोटिस है, कोई भी जानकारी हो तो आप तक पहुंचती रहे। चैनल पर और भी बहुत से वीडियोस हैं जो आपके हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने में, तो उसको देखते रहिए। चलिए आज मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, जो कि बहुत से परेशानियां आ रही है डाउनलोड करने में, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत सी परेशानी आई है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे एनसीटी वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग में जाइएगा, ट्रेनिंग पे क्लिक करके ट्रेनिंग प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा। ट्रेनिंग प्रोफाइल पर जाके आपको लॉग इन करना होगा। यहाँ पे इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अगर नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड का रोल नंबर होगा, रोल नंबर के शुरू में आपके 00 होगा, तो 00 को हटाकर आर लिखिएगा, तो आर से शुरू किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा कम्प्लीटली, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद आपको फादर नेम इंटर करना होगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर टेक्स्ट जो नीचे दिख रहा है 169330 उसको इंटर कीजिएगा ऊपर, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन करने के बाद आप एक बार सारा डिटेल्स जो जो आपको दिख रहा है ट्रेनिंग प्रोफाइल में, जितने भी डेटा है, नाम, पिता का नाम, आपका माता का नाम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ भी दिख रहा है, आपका कास्ट कैटेगरी, जो भी फोटो वोटो, सारा चीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई गलती होता है तो अभी रेस एग्रीवेंस कर दीजिएगा, यानी कि सुधार करने के लिए वीडियो मैंने बना दिया, तो कर लीजिएगा। उसके बाद मार्कशीट पर क्लिक कीजिएगा और मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर क्लिक करके प्रिंट कीजिएगा। तो देखिए मार्कशीट पर क्लिक करते हैं, आपको दिखाई देगा और जो भी है लिख रहा है कि आपने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, तो आप अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो आपको सबसे पहले अप्रूव करना होगा जाके, मतलब अप्रूव मतलब आपको रिजल्ट को आपको एक्सेप्ट करना होगा जाके रिजल्ट को। देखिए मार्क सर्टिफिकेट पर भी क्लिक करें तो वही चीज़ दिखाई देगा कि आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया मार्कशीट और सर्टिफिकेट को। जब तक आप सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम वेरिफिकेशन पे आएंगे, मार्कशीट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रोल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे एग्जाम का सिस्टम चूज करेंगे एनुअल, और बारी बारी से 1 और 2 ईयर का हमको एक्सेप्ट करना होगा। इसे एक बार चेक कर लें सारे डिटेल्स फिर से, कि सारे डिटेल्स तो सही है ना, कोई मार्क्स तो कम बेसी या अधिक कम, कोई कहीं गड़बड़ी कोई दिख तो नहीं रहा है। अगर गड़बड़ी दिखता है तो नीचे आपको रेस एग्रीवेंस का ऑप्शन है, उसको अप्लाई कर दिए। ये लास्ट डेट है रेस एग्रीवेंस करने का 22 जून, 22 जून के पहले आपको रेस एग्रीवेंस कर देना। अगर नहीं करते हैं फिर आपको कभी भी रिजल्ट के एक्सेप्ट करने के बाद कभी भी, या 22 जून के बाद आप कभी भी आप इसको चेंज नहीं करा पाएंगे। कोई भी गलती होता है तो नाम में, पिता का नाम में या रिजल्ट में, तो रेस एग्रीवेंस नहीं कर रहे, तो रेस एग्रीवेंस पहले कर दिए 20 जून के पहले। अगर किसी का भी मार्क्स अगर -1 दिखाई दे रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो आपका मार्क्स जो है उस समय आप अब्सेंट होंगे, इसलिए आपका -1 दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी कैंडिडेट का -1 दिखा रहा है तो वही होगा ऑप्शन। और सारा चीज़ सही है तो एक्सेप्ट करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा तो आपको वेरिफिकेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आप अपने एडमिट कार्ड से चेकआउट करके सही सही डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिएगा, और जैसे इंटर करिएगा आपका सबमिट पर क्लिक करते ही आपका ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरेट होने के कगार पर आ जाएगा। अब देखिए लिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन, अब आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट 24 घंटे के अंदर जनरेट हो जाएगा। ओके करिएगा तो आपका मार्क्स और सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा 24 घंटे के बाद। और इसको रोल नंबर, और फिर से एक बार हम सेकेंड ईयर का भी कर लेते हैं इसी तरह। तो आपका जो मार्क्स और सर्टिफिकेट है आपका 24 घंटे बाद डाउनलोड होगा, अभी नहीं होगा। अभी आप अपने अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिए, यहाँ से देते हैं रिजल्ट चेकआउट करके। और याद रखिए एक्सेप्ट तभी किया जब आपका सारा चीज़ सही हो, देख लीजिए एक बार उसका डेट ऑफ बर्थ इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करते ही आपका सुधार कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा। एक्सेप्ट करके सबमिट करिएगा, ओके करिएगा, और उसके बाद अब हम चलते हैं फिर से ट्रेनिंग प्रोफाइल में। ट्रेनिंग प्रोफाइल में जाके अपना लॉगिन करके देखेंगे तो यहाँ पे फिर से सर्टिफिकेट प्रिंट करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं। तो अभी कह रहा है प्लीज वेट फॉर 24 आवर ऑर्डर टू व्यू योर सर्टिफिकेट।
आपका 24 घंटे बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, तो 24 घंटे का वेट कर लीजिए। और अब अगर आपको लगता है कि इस सब बहुत झमेला है, इस सब होने दिक्कत हो रहा है, तो आप कुछ मत करिए, 20 जून का वेट करिए। 20 जून के बाद ये सारा झमेला हट जाएगा, डायरेक्ट आप प्रिंट सर्टिफिकेट करना कर सकते हैं। 20 जून तक लास्ट डेट है, उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। जो अगर एक्सेप्ट करिए या ना करिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट आएगा यहाँ पर चलाएगा डायरेक्ट। चैनल पे बहुत से अप्रेंटिस की वैकेंसी आउट हुई है, सभी का हमने वीडियो बना दिया है, तो जाके चेकआउट करके अप्लाई करिए। जिसके इसके लिए आप एलिजिबल हैं, सभी अप्रेंटिस को आप अप्लाई कर दीजिए, किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाएगा और आप अप्रेंटिस करिए। और कोई भी जानकारी चाहिए होगा नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कोई आपको सजेशन देना है तो नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। और आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी बताइए। और 24 घंटे बाद आपको आप वीडियो मिल जाएगा, जो सेकेंड वीडियो है कि डाउनलोड कैसे करें, और उसके बाद 24 घंटे बाद आपके इसके वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।